अब तो वैसे ही गरीब मुल्ले या अल्लाह, तूने बड़ी ताकतों के घुटने टिकवा दिए यार, उनकी चीखें निकलवा दी अरे बाबा, एक छोटे से जरासीम के साथ जो नजर भी नहीं आता, ये सब या अल्लाह, जिन्हें गुरूर था अपनी साइंस का, जिन्हें गुरूर था अपनी टेक्नोलॉजी का, तूने सबके घुटने टिकवा दिए। पर मेरे मौला, बंदे और रब का मुकाबला ही क्या है, हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं या अल्लाह, तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, तुझे तेरे हबीब के आंसुओं का वास्ता देते हैं। उहुद में दांत टूटे थे, बेहोशों के गिरे थे, और मदीने की फिजाओं में आपकी आहो बुका की सरगोशियां आज भी मौजूद हैं, और वो अरफात में आपने 5 घंटे दुआ की थी उम्मत के लिए, यार एक चोर का हाथ कटा था, तेरा नबी रोने बैठ गया था, साहबा ने पूछा अब क्यों रो रहे, कहा मेरे उम्मती का हाथ कटा। किस्से दर्द सुनाते हैं, साज़ खामोश फरियाद से मामूर है हम, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। मेरे मालिक, वैसे ही 200-300 साल से उम्मत मुस्तफ़ा अपने गुनाहों की वजह से तबाह बर्बाद थी या अल्लाह, खस्ता हाल थी, इज्जतें पामाल थी या अल्लाह, ऊपर से तेरी तरफ से ये एक हाल आखिर या अल्लाह, हमारे पास तो इलाज भी कोई नहीं, मालदार मुल्कों को तो ये कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमारे तो अस्पताल भी मेरे मौला बर्बाद यार, हमारे डॉक्टर क्या, अमेरिका के डॉक्टर भी अनट्रेंड है, उन्हें भी नहीं पता अब क्या करना है, तो बेचारे हमारे डॉक्टर क्या करेंगे, हमारे पुराने पुराने अस्पताल वो भी थोड़े से, आ जा यार, आ जा, तू आने जाने से पाक है यार, मुझे पता है, लेकिन तू कहता है वजा रब्बु कवल मलक सफ़न सफ़ा, मैं पागल होकर तुझे बुला, मैंने कुफर के फतवे पीछे लिए, पर मैं फिर भी कहूंगा आ जा, मैं उम्मती हूँ, मैंने 40 साल से मैं ये पैगाम सुना रहा हूँ, मैं उम्मती हूँ, हम उम्मती हैं, हमारी और कोई पहचान नहीं, हम उम्मती हैं, ओए अल्लाह के वास्ते मान जाओ, ओ मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते उम्मत को टुकड़ों में तकसीम ना करो, इख्तलाफ करो, झगड़े ना करो, ऐ हमारे अल्लाह, मैं तमाम ममालिक इस्लाम के लिए और तमाम गैर मुस्लिम ममालिक के अफराद के लिए, अमेरिका, शुमाली वाले, जनूबी वाले, कैरेबियन कंट्रीज वाले, सेंट्रल अमेरिका वाले, दाएं बाएं जजीरों में रहने वाले, यूरोप के वाले, यूरोप के जजीरों में रहने वाले, या अल्लाह एशिया में रहने वाले, एशिया के जजीरों में रहने वाले, या अल्लाह अफ्रीका और अफ्रीका के जजीरों वाले, या अल्लाह जंगलों में रहने वाले, हर पेशे वाले, हर जुबान वाले के लिए मैं तेरी बारगाह इज्जत में आफियत मांगता हूँ, सलामती मांगता हूँ, और अपने देश की पहले मांगता हूँ। सब की हमारी इज्तमाई दुआ है, हमें इस वायरस से निजात अता फरमा, आमीन।